बीजेपी ने भले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा कर दिया हो, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के सहयोगी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार पर अपने विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में कहा है कि नीतीश कुमार हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी को नुकसान पहुंचाने पर उतर आए हैं, लेकिन वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे एनडीए के हिस्सा हैं और हम भी, उन्हें ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। चुनाव नज़दीक हैं, पार्टियों के नेताओं में खलबली मची हुई है कि आखिर वो किस खेमे में जाए जहां उनको सुरक्षित राजनीतिक भविष्य का वचन मिल सके। 2019 के आम चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर पहले से बिहार में एनडीए के घटक दलों में पेच फंसा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ आरएलएसपी के विधायकों के जाने से नई खिचड़ी पक सकती है। रविवार को भी कुशवाहा ने ट्विटर के जरिए बिहार सीएम पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि समेटिए नीतीश कुमार जी, अपने लोगों को केवल दहेज लेना देना ही अपराध नहीं है, बल्कि किसी पार्टी को डैमेज करने हेतु लोभ व प्रलोभन देना भी अपराध एवं घोर अनैतिक कुकृत्य है। इस बयान से ये साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार आ जाएगी। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।